डी लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो CSOM। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या है? लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन ऑफ पार्ट और होल ऑफ द मेटल ईयर क्रैप्ट करेक्टराइज बाय ईयर डिस्चार्ज एंड परमानेंट परफोरेशन। यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन है किसका, मिडिल ईयर क्रैप्ट का पूरे या पूरे मिडिल ईयर का या उसके क्रैप्ट का, और इसमें क्या होगा, क्या किससे करेक्टराइज होगा, ईयर डिस्चार्ज से, और साथ में क्या हो जाएगा, परमानेंट परफोरेशन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये परफोरेशन है, ये परमानेंट हो सकता है जब उसके एजेस जो है वो स्क्यूमा से पिथीलियम से कवर हो, तब ये परफोरेशन परमानेंट हो सकता है, और जो इसमें कि हील जल्दी नहीं हो रहा है, डज नॉट हील स्पॉन्टेनियसली, तब ये परफोरेशन परमानेंट में जा सकता है। परमानेंट परफोरेशन जो है कैन बी लाइकन टू एन एपिथीलियम लाइन फिस्टुला स्ट्रेक्ट। अब इसके बाद एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसके हायर इंसिडेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रहता है, पुअर न्यूट्रिशन रहता है, पुअर हेल्थ एजुकेशन की लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये सब इसके काज हैं। इन इंडिया द ओवरऑल प्रिवेलेंस रेट 46.16% पर थाउजेंड, मतलब कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे 46% पर थाउजेंड है और 16% पर थाउजेंड इन अर्बन एरिया। इसके बाद यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन रूरल पॉपुलेशन, जैसे रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है उसमें हियरिंग लॉस का ये क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एक मेजर काज है। टाइप्स ऑफ क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो ट्यूबो टिम्पेनिक टाइप और एटिकोएंड्रल टाइप। जो ट्यूबो टिम्पेनिक टाइप का होता है ना वो सेफ टाइप का होता है, बिनाइन टाइप का होता है। ये किसको इन्वॉल्व करता है, तो ये एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर क्रैप्ट को इन्वॉल्व करता है। इसी तरीके से जो एटिकोएंड्रल हम पढ़ेंगे ना तो वो पोस्टीरियो सुपीरियर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर क्रैप्ट को इन्वॉल्व करेगा। अब ये जो एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर क्रैप्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो इसमें आ जाएगा स्टेशन ट्यूब, मेसोटिम्पेनम और उसके साथ एसोसिएटेड सेंट, वो किससे एसोसिएटेड हो सकता है, एटिको ट्यूबो टिम्पेनिक टाइप, उसमें एटिको उसमें सेंट्रली परफोरेशन होगा और यहाँ पे सीरियस कॉम्प्लिकेशन की रिस्क नहीं रहती है। अब जो एटिकोएंड्रल टाइप का जो है ना वो डेंजरस टाइप है, अनसेफ टाइप का है। इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, तो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ क्लेफ्ट, और जिसमें कौन से स्ट्रक्चर आ जाएगा, एटिक हो गया, एंट्रम, मस्टोइड, ये इन्वॉल्व होगा। इसमें ये किससे एसोसिएटेड हो सकता है, एटिक और मार्जिनल परफोरेशन, एटिक रीजन में भी परफोरेशन हो जाएगा और मार्जिनल रीजन में। यहाँ पे ये जो डिसीज़ है ये किससे एसोसिएटेड हो सकती है, बोन इरोडिंग के साथ, बोन इरोडिंग हो जाएगी उसकी वजह से कोलिस्टोटोमा हो जाएगा, यानी कि जो एंडोकोन्ड्रियल लेयर होती है मिडिल ईयर की उसमें क्या हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से कोलिस्टोटोमा हो जाएगा, वो स्पॉन्जी बोन से रिप्लेस हो जाती है। इसके बाद ग्रेनुलेशन और ओटाइटिस ओस्टेटाइटिस हो सकता है। इसके जो हाई कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, देन यहाँ पर डिफरेंस दिया है, ट्यूबो टिम्पेनिक जो है वो सेफ टाइप का है, एटिकोएंड्रल अनसेफ टाइप का है। ट्यूबो टिम्पेनिक टाइप का जो है उसमें कौन सा डिस्चार्ज आएगा, प्रोफ्यूज म्यूकोइड ऑर्डरलेस डिस्चार्ज आएगा, और एटिकोएंड्रल टाइप का जो है इसमें स्केंटी पुरुलेंट फाउल, मतलब कम डिस्चार्ज रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल के साथ आएगा, और ट्यूबो टिम्पेनिक में डिस्चार्ज तो ज़्यादा रहेगा लेकिन वो ऑर्डरलेस रहेगा। परफोरेशन की बात करें तो सेंट्रल परफोरेशन इन केस ऑफ ट्यूबो टिम्पेनिक और एटिक और मार्जिनल मार्जिन पे परिधि पे परी हो एटिकोएंड्रल टाइप का में, और पॉलिप जो है वो पेल होंगे कलर के तो ट्यूबो टिम्पेनिक, और अगर रेड पॉलिप देखने को मिले तो एटिकोएंड्रल। ग्रेनुलेशन टिश्यू की बात करें तो कॉमनली ग्रेनुलेशन हो तो वहाँ पे एटिकोएंड्रल टाइप का है, और ट्यूबो टिम्पेनिक में अनकॉमन रहते ग्रेनुलेशन। देन इसके बाद कोलिस्टोटोमा, तो वो एटिकोएंड्रल में प्रेजेंट रहता है, ट्यूबो टिम्पेनिक में एब्सेंट रहता है। कॉम्प्लिकेशन रेयर रहते हैं ट्यूबो टिम्पेनिक में और एटिकोएंड्रल में कॉमन रहते हैं। ऑडियोग्राम की बात करें तो यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव डिफनेस देखने को मिलती है, और एटिकोएंड्रल में जो है वो मिक्स डिफनेस देखने को मिलती है, कंडक्टिव भी हो सकती है और साथ में बोनी भी हो सकता है, दोनों मिक्स देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे बोन का भी परफोरेशन हो रहा है। देन इसके बाद आता है ट्यूबो टिम्पेनिक टाइप जो है उसकी एटियोलॉजी, तो उसकी एटियोलॉजी में ये यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, किस वजह से होता है ट्यूबो टिम्पेनिक, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से, या पर दूसरा काज ये हो सकता है कि यूस्ट्रेशियन ट्यूब जो है उससे असेंड इस इन्फेक्शन जो है वह असेंडिंग ऊपर की तरफ आ गया, जैसे कि टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स,
इनसे इन्फेक्शन फैल गया। देन तीसरा काज है म्यूकोइड ओटोरिया। परसिस्टेंट म्यूकोइड ओटोरिया जो है वो कब हो सकता है, किन केसेस में देखने को मिल सकता है, जिनको कि फूड सबस्टेंस से एलर्जी है, जैसे कि इंजेस्टेंट, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश, इनसे अगर किसी को एलर्जी बनी रहती है तो उसकी वजह से उसको परसिस्टेंट म्यूकोइड ओटोरिया बना रह सकता है। देन इसकी पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या क्या पैथोलॉजी कल चेंजेस देखने को मिलेंगे क्रोनिक सुपरिटी ओटाइटिस मीडिया में, तो यहाँ पे ये जो ट्यूबोटिम्पेनिक डिसीज़ है ना, ये लोकलाइज रहती है म्यूकोसा तक और इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर क्लेफ्ट को इन्वॉल्व करती है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे परफोरेशन हो जाएगा पास टेंसा का, मिडिल ईयर म्यूकोसा जो है उसमें क्या देखने को मिलेगा कि मिडिल ईयर म्यूकोसा जो है वो नॉर्मली भी हो सकती है और जब इनएक्टिव स्टेज में डिसीज़ है, और एक्टिव स्टेज में अगर डिसीज़ है तो वो एडिमेटस चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पॉलिप हो सकते हैं, पॉलिप पेल कलर के रहेंगे, अपन ने देखा ही था कि पेल रहेंगे, पिंक फ्लेसी पॉलिप देखने को मिलेंगे, और एडिमेटस मास रहेगा जो कि इन्फ्लाम म्यूकोसा के साथ। देन इसके बाद आता है ओसिकुलर चेन। ओसिकुलर चेन की बात करें तो यहाँ पे यूजुअली इंटेक्ट रहते हैं, जो अपना ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप है इसमें यूजुअली इंटेक्ट रहेंगे, नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है उसमें। इसके बाद आता है टिम्पेनोस्क्लेरोसिस। टिम्पेनोस्क्लेरोसिस में हाइलेजनाइजेशन और कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, हाइलेजनाइजेशन और कैल्सिफिकेशन ऑफ सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। देन इसके बाद आता है फाइब्रोसिस एंड एडहेशंस। तो फाइब्रोसिस जो है वो देखने को मिलता है, ये किसकी वजह से, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस की वजह से ये फाइब्रोसिस होने लगता है। और इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, तो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस हो गया, सुडोमोनास एरिजोनेसा, प्रोटियस, ईकोलाई, बैक्टीरियोट्स फ्रेजिलिस, ये सब स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई ओरियस, ये सब इसके बैक्टीरिया का ऐसे। अब इसके अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन की बात करें, जो क्रोनिक सुपरिटिव ओटाइटिस मीडिया है वो एक्टिव म्यूकोसल डिसीज़ और स्क्यूमरसल डिसीज़ में बांटा है इसको। अब जो म्यूकोसल डिसीज़ है वो तीन तरीके से इसको क्लासीफाई किया है, एक्टिव, इनएक्टिव और हेल्थ। एक्टिव स्टेज है तो उसमें क्रोनिक सुपरिटिव ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा, इनएक्टिव में आ जाएगा परमानेंट परफोरेशन वाली स्टेज हो गई वो, और आखिरी में आती है हील वाली, हील स्टेज, जिसमें कि एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया। स्क्यूमोसल डिसीज़ के बेस पे बांटा इसको, तो एक्टिव और एक्टिव में कोलेस्टोटोमा विद डिस्चार्ज। और अगला है रिट्रैक्शन पॉकेट टेंसा और पार्स फ्लेसिडा और एल्सो कॉल्ड एटलेक्टिक ईयर। यहाँ पे पार्स टेंसा और पार्स फ्लेसिडा जो है उसमें क्या हो जाएगा, रिट्रैक्शन पॉकेट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये इस रिट्रैक्शन पॉकेट में बांट दिया। ठीक है, स्क्यूमोसल जो डिसीज़ है वो एक तो इनएक्टिव टाइप का भी हो सकता है, जहाँ पे क्या होगा, रिट्रैक्शन पॉकेट देखने को मिलेगा, कहाँ पे बनेगा, ये पास टेंसा में, पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन में और पास फ्लेसिडा में बन सकता है ना। और एक एक्टिव टाइप का हो सकता है जिसमें कि कोलेस्टोटोमा बन जाएगा, जिसमें कि डिस्चार्ज भी आएगा, है ना। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, तो ईयर में डिस्चार्ज देखने को मिलेगा जो कि म्यूकोइड नॉन ऑफेंसिव म्यूकोइड म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है ना, जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा या कभी कभी इंटरमिटेंट भी हो सकता है। नॉन ऑफेंसिव डिस्चार्ज आएगा, म्यूकोइड म्यूकोपुरुलेंट पस के साथ, म्यूकस के साथ डिस्चार्ज आ सकता है, और डिस्चार्ज जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मेनली देखने को मिलता है, और एक्सीडेंटली ये जैसे कि वाटर इंटर हो गया तो इसकी वजह से भी ये डिस्चार्ज आ सकते हैं। हियरिंग लॉस की बात करें तो ये जो कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस होता है, और इसकी जो सीवियरिटी है ये वेरीज करती है, बट रेयरली ये एक्सीड कर जाती है 50 डेसिबल तक, है ना। और साथ में समटाइम जो पेशेंट जो है वो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे वो क्या होते हैं, मतलब कि हियरिंग जो है वो बेटर रहेगी, प्रेजेंस ऑफ डिस्चार्ज है तो हियरिंग बेटर रहेगी, और अगर ड्राई हो गया तो दिक्कत होगी ऐसा। उसमें राउंड विंडो में शील्डिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे ये जो सेंट्रल परफोरेशन है, ठीक है, ये परफोरेशन के टाइप बताए हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसका किस तरीके से परफोरेशन हुआ, तो सेंट्रल परफोरेशन हुआ अपन ने पढ़ा था ट्यूबोटिम्पेनिक में, फिर मीडियम साइज़ का सेंट्रल परफोरेशन, फिर सब टोटल परफोरेशन, देन उसके बाद टोटल परफोरेशन हो गया डिस्ट्रक्शन के साथ और फाइब्रस एनुलस बन गए, एटिक परफोरेशन
और फिर उसके बाद एटिक रीजन में हो गया, उसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन में परफोरेशन, ये मार्जिन में परफोरेशन हो गया, ये हो गया अपना एटिकोएंड्रल टाइप का। फिर ये परफोरेशन हो गया तो सेंट्रल में होता है, इसमें अपन ने देखा ही था, मतलब कि मेला एंटीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर टू द हैंडल ऑफ द मेलियस। और मिडिल ईयर म्यूकोसा जो है उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, परफोरेशन जो है वो लार्ज परफोरेशन रहेगा, पेल पिंक मोइस्ट रहेगा, इन्फ्लाम एरिया रहेगा, रेड एडिमेटस एंड विथ स्वेलिंग, पॉलिप भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, देन उसके बाद ऑडियोग्राम, माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करा देंगे उसका, तो उससे क्या अपन को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रेनुलेशन के बारे में, स्क्यूमस एपिथेलियम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो ओसिकुलर चेन इन्फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में पता चल जाएगा किस तरीके से एडेशंस बन रहे हैं। देन उसके बाद ऑडियोग्राम, तो उसमें अपन को डिग्री ऑफ हेयर लॉस का पता चल जाएगा, और उसके बाद सेंसेशनल कंडक्टिव हुआ है कि सेंसरी न्यूरल हुआ है, इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट का पता करना है तो ऑडियोग्राम। कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ ईयर डिस्चार्ज, तो उसके एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स है ना सिलेक्शन में हेल्प करेगा। सिटी स्कैन जो है वो टेम्पोरल बोन का मास्टर बोन का एक्सरे करा लेंगे। देन इसके बाद आता है ट्रीटमेंट टू ओरल टॉयलेट, जिसमें कि आल डिस्चार्ज को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, डेब्रिज जो बना था उसको रिमूव करेंगे ईयर से। और उसके बाद मॉपिंग, इट कैन बी डन बाय ड्राई मोपिंग विथ एब्जॉर्ब कॉटन बट्स की सहायता से इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन का डायग्राम दिया है अंडर माइक्रोस्कोप। ईयर ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, जिसमें कि नियोमाइसिन, पॉलीमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स यूज होती है ईयर ड्रॉप्स। इसके बाद यहाँ पे केयर दी जानी चाहिए कि ईयर ड्रॉप्स के केसेस में, जिससे कि जो मसरेशन ना हो जाए केनाल स्किन का, लोकल एलर्जी भी हो सकती है, तो ये सब इसके केसेस में। देन इसके बाद आता है सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, जिसमें क्या दे सकते हैं अपन, एक्यूट एग्जैसरेब्रेशन ऑफ क्रॉनिकली इन्फेक्टेड ईयर, अदरवाइज रोल ऑफ सिस्टमिक एंटीबायोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब लिमिटेड रोल है इसका सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स का। प्रिकॉशंस का क्या क्या लेना पड़ेगा अपन को, तो बाथिंग, स्विमिंग, हेयर वॉश के दौरान इसको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। देन उसके बाद अपन को ट्रीटमेंट क्या देना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस की केसेस में, जैसे कि टॉन्सिल्स वगैरह, एडिनोइड्स, इनको भी अपन को ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि इनसे असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी सर्जिकल ट्रीटमेंट में, तो ओरल पॉलिप शुड नेवर बी एवलाइज एज इट मे बी अराइजिंग फ्रॉम द स्टेप स्पेशल नाउ, ये बात लिखी हुई है। ओरल पॉलिप और ग्रेनुलेशन जो है अगर ये प्रेजेंट है तो इसको रिमूव किया जाना चाहिए लोकल ट्रीटमेंट देने से पहले, एंटीबायोटिक्स देने से पहले ओरल पॉलिप अगर है तो उसको रिमूव किया जाना चाहिए सर्जिकली। और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी कर सकते हैं मेरिंगोटोमी, ठीक है, विद और विदाउट ओसिकुलर रिकन्स्ट्रक्शन। इसके बाद आता है एटिकोएंड्रल टाइप, तो एटिकोएंड्रल टाइप जो है वो किसको इन्वॉल्व करता है, पोस्टीरियो सुपीरियर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर क्लेफ्ट, जिसमें कि एंट्रम, पोस्टीरियो टिम्पेनम एंड मस्टॉइड इन्वॉल्व होता है। इसमें कोलेस्टोटोमा फॉर्मेशन भी हो जाता है, यानी कि जो परफोरेशन होने लगता है, इरोडिंग हो जाती है बोन, इसलिए ये इसका सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ये अनसेफ और डेंजरस टाइप का। इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे एटिकोएंड्रल डिसीज जो है वो वहाँ पे कोलेस्टोटोमा फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे स्क्लेरोटिक मास्टोइड देखने को मिलेगा, इट इज सीन इन स्क्लेरोटिक मास्टोइड, एंड वेदर द लेटर इज द काज ऑफ इफेक्टिव डिस्चार्ज इज नॉट, मतलब जब अगर इसको क्लियर नहीं किया गया डिस्चार्ज को लंबे समय तक, तो उसकी वजह से एटिको एंट्रल टाइप का हो सकता है क्रॉनिक सुपरट्यूटाइटिस मीडिया। देन इसके बाद आता है पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में आ जाएगा कोलेस्टोटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, ऑस्टेडाइटिस एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू, ऑस्टेडाइटिस जो है वो किसको इन्वॉल्व करता है, आउटर एटिक वाल को और पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन ऑफ टिम्पेनिक रिंग को। उसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू बन सकते हैं और पॉलिप्स बन सकते हैं, ओसिकुलर रेड पॉलिप बनेंगे इसमें, और ओसिकुलर नेक्रोसिस हो सकता है, ओसिकल्स का नेक्रोसिस हो गया बोन्स का, है ना,
उसके बाद ये इसकी पैथोलॉजी हो गई, और कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की वजह से ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन, मतलब कि वो रिटेन हो रहा है सिक्रीशन अगर, या हेमरेज रिटेन हो रहा है तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन हो सकता है। इस टाइप का जो है, इसमें से बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो वही बैक्टीरिया जो ट्यूबो टिम्पेनिक वाले हैं वही आ जाएंगे इसमें भी। सिम्टम्स, ईयर डिस्चार्ज, हियरिंग लॉस और ब्लीडिंग। ईयर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा उसमें बोन डिस्ट्रक्शन के साथ, और डिस्चार्ज जो है वो कम भी हो सकता है ना, कम डिस्चार्ज आएगा, उधर प्रोफ्यूज आ रहा था। यहाँ पे इन म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन, पॉलिप भी देखने को मिल सकता है, रेड पॉलिप, और पस जो है वो उसका वे जो इंटरनल वे रहेगा उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होगा, अंदर की तरफ पस जाएगा। हेयरिंग लॉस की बात करें तो यहाँ पे ओसिकुलर चेन अगर इंटेक्ट है तो हियरिंग लॉस नॉर्मल रहेगा, और अगर कोलेस्ट्रोमा अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है ओसाइकल्स बोन को, अगर बोन डिस्ट्रॉय हो रही है तो वहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से जैसे कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन हो गया है तो उसकी वजह से कंडक्टिव लॉस देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग इट मे अकर फ्रॉम ग्रेनुलेशन और द पॉलिप व्हेन क्लीनिंग द ईयर, तो ग्रेनुलेशन की वजह से हो सकती है इसको ब्लीडिंग। इसके बाद आता है साइंस, तो परफोरेशन का साइन देखने को मिलेगा, एटिकोन्ड्रल टाइप में परफोरेशन मेनली होता है, एटिक परफोरेशन रहता है, और उसके बाद एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल टाइप का, फिर रिट्रैक्शन पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, इन्वेजिनेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज सीन इन द एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया और पास टेंसा, और फिर उसका रिट्रैक्शन होने लगता है। अर्ली स्टेज में जो पॉकेट है वो सेल्फ क्लिनजिंग कर सकते हैं, बट लेटर में बाद वाली स्टेज में जो पॉकेट है वो उसमें केराटिन मॉस मास बन जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। रिट्रैक्शन पॉकेट की भी स्टेज दी गई है, स्टेज 1, 2, 3। 1 में क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट रहती है बट डज नॉट कॉन्टेक्ट द इनकस, इनकस के कॉन्टेक्ट में नहीं रहती वो, ये माइल्ड फॉर्म है रिट्रैक्शन का। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है रिट्रैक्टेड रहेगी डीप में, और ये इनकस से जुड़ी हुई रहेगी, मिडिल ईयर म्यूकोसा अफेक्टेड नहीं होगी। और स्टेज स्टार्ट में मिडिल ईयर एटलेक्टेसिस देखने को मिलेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो कम्स टू लाई ऑन द पोस्ट प्रोमोंटरी एंड ओसाइकल, मतलब कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ओसाइकल की तरफ आ गई, और इसकी वजह से क्या होगा, फिर बाद में मिडिल ईयर म्यूकोसा वो इंटेक्ट रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे बलून्स ऑफ व्हेन इंट्यू इज यूज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, अगर इंट्यू यूज़ किया एनेस्थीसिया में तब भी इस तरीके की कंडीशन आ सकती। अब स्टेज 4 जो है इसमें क्या हो जाएगा, एडिसिव ओटिटिस मीडिया वाली स्टेज है, जिसमें कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है बहुत पतली हो जाती है और प्रोमोंटरी और ओसाइकल को रेप कर लेती है वो, यहाँ पे मिडिल ईयर स्पेस नहीं बचता है मिडिल ईयर में, और म्यूकोसल लाइनिंग जो है वो अब्सेंट हो जाएगी, ये सब होगा। रिट्रैक्शन पॉकेट जो है वो उसमें केराटिन प्लक्स हो सकते हैं, कि कोलेस्ट्रोटोमा बन सकता है, और कोलेस्ट्रोटोमा इसमें क्या हो जाएगा, पियरली वाइट फ्लैक्स ऑफ कोलेस्ट्रोटोमा कैन बी सक्ड फ्रॉम रिट्रैक्शन पॉकेट। इन्वेजिनेशन, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन कराना चाहिए माइक्रोस्कोप के अंडर में, देन इसके बाद ट्यूनिक फोक टेस्ट कर लेंगे ऑडियोग्राम से, बोनी कंडक्शन या और उसके बाद बोन कंडक्शन का पता चल जाएगा इस पर, ठीक है, और डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस का पता चल जाएगा, एक्सरे ऑफ मास्टॉइड और सीटी स्कैन ऑफ टेम्पोरल बोन। इसके बाद कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ ईयर डिस्चार्ज देख लेंगे, फीचर्स क्या क्या आ जाएंगे इसमें, क्रॉनिक सुपरऑर्डिनरी ओटाइटिस मीडिया में पेन होता है, तो पेन इज अनकॉमन इन अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में तो पेन नहीं होगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केस है उसमें क्या हो जाएगा, पेन होगा, और ब्रेन अब्सेस हो गया, ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस स्टेज है, और ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से भी पेन हो सकता है। वटाइगो, तो लेटरल सेमी सर्कुलर केनाल में क्या हो गया, इरोजन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, वो किस में प्रोग्रेस होगी, लेब्रिन्थाइटिस हो जाएगा और या मेनिनजाइटिस हो सकता है, तो उसकी वजह से वटाइगो होने लगेगा। फिस्टुला टेस्ट ये परफॉर्म किया जाना चाहिए, और परसिस्टेंट हेडेक जो है उसमें क्या, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फेशियल वीकनेस, उसमें फेशियल केनाल में इरोजन हो जाएगा, और फीवर, नोशिया, वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी ऑफ द एंड नेक रिजिडिटी, डिप्लोपिया, ये सब इसके फीचर है, और
फीड्स को रिफ्यूज़ करेगा चाइल्ड। देन इसके बाद आता है एटेक्शिया भी हो सकता है, जिसमें किसी लेब्रिनथाइटिस की वजह से या सेरिब्रल एब्सेस फॉर्मेशन की वजह से उसको गेट में प्रॉब्लम होगी। और एब्सेस राउंड द ईयर मास्टोडाइटिस हो सकता है की वजह से। और ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि केनाल वाल डाउन प्रोसीजर, देन उसके बाद केनाल वाल अप डाउन प्रोसीजर करेंगे, अप प्रोसीजर केनाल वाल, ये दो प्रोसीजर होती है। और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी होती है। तो यहाँ पे जो केनाल वाल डाउन अप प्रोसीजर है, ये इसमें मीएटस जो है उसका नॉर्मल अपीरेंस रहता है, और केनाल वाल अप डाउन प्रोसीजर वाल केनाल वाल डाउन प्रोसीजर जो है उसमें वाइडली ओपन मीएटस रहेगा। देन इसके बाद डिपेंडेंस, तो डिपेंडेंस डज नॉट रिक्वायर रूटीन क्लिनिक। केनाल वाल अप प्रोसीजर में रूटीन क्लिनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ केनाल वाल डाउन प्रोसीजर में क्लिनिंग डिपेंडेंस रहता है डॉक्टर पे उसको क्लिनिंग पर्पज़ के लिए, वंस और ट्वाइस अ ईयर। फिर रिकरेंस होने के चांसेस हाई रेट रहते हैं, और प्रीकरेंट कोलिस्टोमा फॉर्मेशन की और केनाल वाल डाउन प्रोसीजर में लो रेट रहती है रिकरेंस की। सेकेंड लुक सर्जरी, तो सेकेंड लुक सर्जरी आफ्टर सिक्स मंथ कोलिस्टोमा हुआ तो रूल आउट करने के लिए उसको, और इसमें सेकेंड सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशर लिमिटेशन, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रहती है केनाल वाला प्रोसीजर में, और डाउन वाले में स्विमिंग और ये सब को लिमिट लगानी पड़ती है उस पर। ऑडिटरी रिहेबलाइजेशन, इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब कि इजी टू वियर, मतलब कि उसको आसानी से पहन सकता है ऑडिटरी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको, और यहाँ पे उसको फियरिंग एड को जो फिट करने में उसको प्रॉब्लम होगी। देन इसके बाद आता है कंसक्टिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रोनिक सुपेरियर ओटाइटिस मीडिया है, इसका ये डायग्राम है पॉलिप इन द ईयर कैनाल, स्केमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ पॉलिप राइजिंग फ्रॉम प्रोमोटरी पासिंग थ्रू परफोरेशन प्रेजेंटिंग इन द ईयर कैनाल। यहाँ पे पॉलिप फॉर्मेशन हो गया। परफोरेशन की बात करें तो पास टेंसा और पास फ्लेसिडा, पास फ्लेसिडा में एटिक परफोरेशन और पास टेंसा में सेंट्रल मार्जिनल परफोरेशन, है ना, दो तरीके के परफोरेशन हो गए।